एनाटॉमी ऑफ एल्बो, इट इज द टाइप ऑफ हिंज जॉइंट, टी बोन्स फॉर्म द एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस ऑफ द आर्म एंड पेयर्ड रेडियस एंड नलना ऑफ द फोर आर्म, द बोनी प्रोमिनेंस एट द टिप ऑफ एल्बो इज एलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अल्ना इज ऑफ एल्बो इज एंटीक्यूबिटल फोसा, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट फ्रॉम ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना टू ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, इट इज ए सिंपल हिंज जॉइंट एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट फ्रॉम द हेड ऑफ द रेडियस टू द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, इट इज ऑल्सो हिंज जॉइंट, थर्ड इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट फ्रॉम हेड ऑफ द रेडियस टू द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना, देन लिगामेंट्स, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर साइड, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट, द मसल्स इन रिलेशन टू द जॉइंट्स आर इन फ्रंट ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियो रेडियलिस, बिहाइंड द ट्राइसेप्स एंड एंकोनियस, लेटरली सुपीनेटर एंड मीडियली कॉमन टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर मसल्स एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, देन द आर्टीरियर सप्लाई ऑफ द एल्बो, मैं इसको थोड़ा इलाज कर देता हूँ, द आर्टरीज सप्लाइंग द एल्बो आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनास्टमोसिस बिटवीन द प्रोफंडा एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्नल कोलेटरल ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल, दिस इज प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, इसकी दो ब्रांचेज निकल रही है प्रॉक्सिमली, दिस इज अल्नर कोलेटरल आर्टरी सुपीरियरली एंड दिस इज इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी विद द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांचेज ऑफ द अल्नर एंड द रिकरेंट ब्रांच ऑफ द रेडियल, दिस इज पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, दिस इज इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी एंड रेडियल रिकरेंट आर्टरी डिस्टली, दिस वेसल्स फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एनास्टमोटिक नेटवर्क अराउंड द एल्बो, नाउ द नर्व्स ऑफ द जॉइंट आर इट पीक फ्रॉम द अल्नर एज इट पासिस बिटवीन द मीडियल कोंडाइल एंड द ओलिक्रेनन posteriorly, this is medial epicondyle, this is the ulnar nerve, it passes posteriorly, and a filament from the musculocutaneous which is anteriorly and two from the median nerve, flexion and extension between the humerus and the ulna, supination and pronation of the forearm at the articulation between the radius and ulna, ye iske movement hai, then Montesia fracture, what is Montesia fracture, Montesia fracture is the fracture of the upper third of the ulna with the dislocation of the head of the radius, head of radius is dislocated both from the radial ulnar articulation and from elbow joint, it may be displaced anterior, posterior or laterally according to the angulation of the ulnar fracture, then mechanism of injury, fall on outstretched hand, push injury, you know, with twisting of the trunk forcibly pronating the forearm, direct injury, direct blow on the back of the forearm, then displacement, three types of the displacement may be there, Montesia fracture dislocation can take place from three forces and corresponding injuries seen, flexion injury, extension injury, adduction injury, Hume fracture is a different type of injury which is related to the flexure injury. We classify Montesia fracture according to the Bardo's classification. This is type 1 extension injury. It is most common, 80-90%. It is type 2 is the flexion injury. Type 3 is the adduction injury. And type 4 is the Hume fracture. This is extension injury. 80-90%. It is most common.
फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना इज एंगुलेटेड विद द कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली. ये पोस्टीरियर सरफेस है एल्बो का, ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है. एंगुलेशन एंटीरियरली हो रहा है इसका फ्रैक्चर साइड का, ठीक है. तो अल्ना इज एंगुलेटेड विद द कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली एंड लेटरली. एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी होती है तो रेडियस का हेड है वो एंटीरियर डिसलोकेट होता है. सो द हेड ऑफ द रेडियस डिसलोकेटेड फॉरवर्ड एंड लेटरली. देन फ्लेक्शन इंजरी, इट इज 10-15%. फ्रैक्चर ऑफ अल्ना इज एंगुलेटेड विद द कॉन्वेक्सिटी पोस्टीरियरली. दिख रहा है ये पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी है अल्ना की. सो द हेड ऑफ रेडियस इज डिसलोकेटेड बैकवर्ड. ये अल्ना का हेड है, ये बैकवर्ड जा रहा है एल्बो से. थर्ड इज एडक्शन इंजरी. द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द अल्ना इज टुवर्ड्स द लेटरल साइड. सो द अल्ना इज एंगुलेटेड लेटरली एंड रेडियल हेड इज डिस्प्लेस्ड लेटरली. नेक्स्ट इज ह्यूम फ्रैक्चर. इट इज हाई मोंटेजिया इंजरी. फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रेनॉन, दिस इज फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रेनॉन एसोसिएटेड विद द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड. इट इज सीन इन द चिल्ड्रन. देन द ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन, मैनिपुलेशन एंड प्लास्टर इमोबिलाइजेशन, बट रिकरेंस कैन अकर. ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एडवाइजेबल इन द एडल्ट्स, ओपन रिडक्शन विद द फ्रैक्चर अल्ना एंड रिजिड फिक्सेशन विद प्लेट. डिसलोकेटेड रेडियल हेड रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली. जैसे ही अपन अल्ना को फिक्स करते हैं तो रेडियल हेड अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है. देन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, रिडक्शन ऑफ द एक्सटेंशन इंजरी. लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन ऑफ द फोर आर्म विद द एल्बो इज फ्लेक्स्ड. फोर आर्म इज स्टेबल इन द सुपिनेशन. प्लास्टर विंडो फॉर द रेडियल पल्स. वैस्कुलर डैमेज होता है तो प्लास्टर में विंडो निकाल देते हैं रेडियल पल्स को फील करने के लिए. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, रिडक्शन ऑफ द फ्लेक्शन इंजरी. ट्रैक्शन ऑन द फोर आर्म विद एल्बो एक्सटेंडेड एज द रिडक्शन इज स्टेबल ओनली इन द एक्सटेंडेड पोजिशन. इट इज नॉट एडवाइजेबल इन द एडल्ट. देन रिडक्शन ऑफ द एडक्शन इंजरी. ट्रैक्शन ऑफ द फोर आर्म विद एल्बो एक्सटेंडेड एंड प्रेशर ओवर द हेड ऑफ द रेडियस. क्योंकि लेटरल साइड में हेड डिस्प्लेस हो जाता है रेडियस का, तो उसको प्रेस करके रखते हैं. सो द ट्रैक्शन ऑफ द फोर आर्म विद द एल्बो एक्सटेंडेड एंड प्रेशर ओवर द हेड ऑफ रेडियस एंड आफ्टर रिडक्शन दिस फ्रैक्चर डिसलोकेशन इज स्टेबल विद द एल्बो फ्लेक्स्ड एंड विद द फोर आर्म सुपिनेटेड. ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एडवाइजेबल इन द एडल्ट्स. ओपन रिडक्शन ऑफ द अल्ना एंड रिजिड इंटरनल फिक्सेशन प्रिफरेबली विद द प्लेट. डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट पिछली बार मैंने शायद बताया था उसमें ना. डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस रिड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली व्हेन द डिफॉर्मिटी ऑफ द अल्ना हैज बीन रिड्यूस्ड. कॉम्प्लिकेशंस, अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस. ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है तो रेडियस के हेड को एक्साइज कर देते हैं, सुपिनेशन प्रोनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रॉमेटिक ऑसिफिकेशन अराउंड द रेडियल हेड, अगेन वी कैन एक्साइज रेडियल हेड. पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व पाल्सी. देन क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, तो सुपिनेशन और प्रोनेशन हैम्पर्ड हो जाती. डिसलोकेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना एंड अनयूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना. डिसलोकेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, इसमें अल्ना के लोअर एंड को एक्साइज कर देते हैं 1 inch. एंड अनयूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना, बोन ग्राफ्ट के साथ प्लेटिंग करते हैं इसमें. देन गिलियाजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन. डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल और द मिडिल थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट. मोंटेजिया में फ्रैक्चर अल्ना का होता है, गिलियाजी में फ्रैक्चर रेडियस का होता है. काउंटर पार्ट ऑफ द मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑल्सो नोन एज द रिवर्स मोंटेजिया फ्रैक्चर. देन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. एज इनडायरेक्ट ट्रॉमा ड्यू टू फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड फ्यूज इंजरी विद द सुपरिम्पोज्ड रोटेशन फोर्स. रोटेशन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलेशन.
प्रोनेशन फ्लेक्शन इंजरी डोर्सल एंगुलेशन होगा, सुपिनेशन में वोलर एंगुलेशन होगा। डायरेक्ट ट्रोमा टू द रिस्ट टिपिकली ऑन द डोर्सल लेटरल एस्पेक्ट। टाइप टाइप वन अपेक्स वोलर कॉज्ड बाय एक्सियल लोडिंग ऑफ द फोरआर्म इन सुपिनेशन। डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियस एंड वोलर डिसलोकेशन ऑफ द अल्ना। दिस इज लोअर एंड ऑफ द रेडियस, इट इज डिस्प्लेस्ड डॉर्सली एंड अल्ना इज डिस्प्लेस्ड वोलरली। इट इज टाइप वन फ्रैक्चर। फोरआर्म सुपिनेशन में होगा तो ही होगा। ये सुपिनेशन कैसे होगा? Then type 2, apex is dorsal, means the angulation. This is apex, this is angulation, it is dorsal. Fracture are caused by axial loading of the forearm in pronation, anterior displacement of the radius and dorsal dislocation of the distal ulna. Radius ka anterior displacement ho gaya, lower end ka, it is going volarly. एंड डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल अल्ना, ये डॉर्सल जाएगी। देन क्लिनिकल फीचर्स, हिस्ट्री फूस्ट फ्रैक्चर, सिम्टम्स पेन एंड स्वेलिंग इन द फोरआर्म एंड रिस्ट, पेनफुल फोरआर्म रोटेशन, साइंस प्रोमिनेंस और टेंडरनेस ओवर द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, इवेल्युएट फॉर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? आता है किसी को? कितने कंपार्टमेंट होते हैं फोरआर्म में? एनाटॉमी पढ़ी तुम लोगों ने। नहीं, वोलर कंपार्टमेंट होता है, एक डोर्सल कंपार्टमेंट होता है फोरआर्म में। कंपार्टमेंट का प्रेशर अगर बढ़ जाता है क्रश इंजरी में, तो प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी आर्टेरियल सप्लाई और कम हो जाएगी, नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। देन न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व पाल्सी। किसकी ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व? नो वन नोज। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच होती है? नहीं। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। देन एसोसिएटेड इंजरीज, अल्नर स्टाइलाइट फ्रैक्चर, ये हो सकता है। सेकेंड इज द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व पाल्सी, TFCC इंजरी, दिस इज ट्राइंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज ट्राइंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स है ना, इसका टीयर हो जाता है, ये एसोसिएटेड इंजरी हो सकती है। एंड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व पाल्सी, ये पिछली बार मैंने बताया था, कोई आया था क्या क्लास में तुम में से? कोई नहीं आया था, सब नए हैं। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच होती है? मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व का फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस और इसका FPL, इसका फ्लेक्शन करती है। तो अगर एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इंट्रैक्ट है तो ये सर्किल बनेगा, ओके साइन, ठीक है। इंट्रैक्ट नहीं है तो क्या होगा? ये बनेगा, ठीक है। तो इवेल्युएट AIN को अपन कर सकते हैं। देन डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की इनस्टेबिलिटी हो सकती है, DRUJ।
DRUG इनस्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, यहाँ इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो रेडियस और अल्ना इस तरह से मूव करेगी। पियानो साइंस से चेक करते हैं इसको, पियानो को जैसे अपन प्रेस करते हैं तो बाउंस बैक होता है उसका बटन, वैसे ही अल्नार स्टाइलाइट को अपन प्रेस करेंगे तो बाउंस बैक होगा, ठीक है। देन इन्वेस्टिगेशन, प्लेन रेडियोग्राफ, रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर होगा कॉमनली एट द जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड द डिस्टल थर्ड, डॉर्सल और वोलर एंगुलेशन, डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियल नर्व जॉइंट, रेडियल शॉर्टनिंग में अकर, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ गेलियाजी फ्रैक्चर, डिस्टल थर्ड का रेडियस का फ्रैक्चर है, यहाँ इनस्टेबिलिटी है अल्ना और रेडियस के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका डॉर्सली अल्ना का, ठीक है, शॉर्टनिंग है। देन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ द DRUJ इंजरी, शॉर्टनिंग इज मोर देन 5 to 7 mm बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्चर, ये शॉर्टनिंग हो जाती है। देन रेडियली डिस्प्लेस फ्रैक्चर बेस ऑफ द अल्नार स्टाइलॉइड, अल्नार स्टाइलॉइड होता है ये अल्ना की साइड में, यहाँ ये रेडियल साइड में डिस्प्लेस हो जाता है, ये बड़ा छोटा सा फ्रैक्चर का पीस, ये रेडियली डिस्प्लेस्ड। देन एंगुलेशन मोर देन 25 to 30 degree इन एनी प्लेन, फ्रैक्चर की वजह से ये एंगुलेशन है, इसका एक्सिस ये है शाफ्ट का, फ्रैक्चर पीस का ये वाला है। देन DRUJ डायस्टेसिस इन द PA प्रोजेक्शन, दोनों के बीच में स्पेस है, इसको डायस्टेसिस बोलते हैं। देन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द चिल्ड्रन, क्लोज रिडक्शन इज ऑफन सक्सेसफुल, इन एडल्ट रिडक्शन इज बेस्ट अचीव्ड बाई ओपन रिडक्शन एंड कंप्रेशन प्लेटिंग ऑफ द रेडियस, इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रिस्टोर द लेंथ ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन एंड एंश्योर द DRUJ स्टेबिलिटी, दिस इज ऑपरेटिव मैनेजमेंट, द रेडियल शार्ट फ्रैक्चर इज ऑपरेटेड थ्रू द इंटीरियर हेनरी अप्रोच एंड फिक्स्ड विद द 3.5 mm AO डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट दैट इज DCP एंड DRUJ इन स्टेबिलिटी हैव 3 possibilities, इफ इट इज रिड्यूस्ड एंड स्टेबल, डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट अगर रिड्यूस्ड है और स्टेबल है तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिंट कर देंगे सुपिनेशन में, ठीक है, फॉर 6 weeks, एंड रिड्यूस्ड बट अनस्टेबल देन टेम्परेरी ट्रांसफिक्स विद द 2K wires विद forearm इन द सुपिनेशन एंड रिमूव आफ्टर 6 weeks एंड एक्टिव forearm रोटेशन इज begun. If it is irreducible, then open reduction is needed to remove the interposed soft tissue. TFCC and dorsal capsule carefully repaired and forearm immobilized in supination, supported by a wire if needed for the 6 weeks. This is DRUJ instability, इसको K wire से fix किया हुआ है supination में, right? यहां फ्रैक्चर रेडियस का था, उसको डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट से फिक्स किया हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, चेक न्यूरोलॉजिक एंड वास्कुलर स्टेटस, स्पेसिफिकली इवेल्युएट फॉर फंक्शन ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, कैसे करेंगे एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का फंक्शन चेक, ओके साइन अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, immobilize the forearm in the supination for 4 weeks, obtain radiograph to recheck alignment and reduction of the radius and DRUJ, then removal of any percutaneous pins at 4 weeks, recheck radiograph to confirm the maintenance of reduction and replace the cast brace in supination, institute physiotherapy for elbow, digital and the shoulder range of movement, re-examine radiographs at 6 weeks interval until the healing is apparent. Post-operative complication, non-union, malunion, infection, refracture following plate removal,
रिफ्रैक्चर क्यों होगा प्लेट रिमूवल, क्योंकि जैसे अपन डीसीपी जैसे ही उसको फिक्स करते हैं, जब आप प्लेट निकालते हैं तो वहाँ एक टेम्परेरी लोकल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है उस बोन का, तो रिफ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। देन पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व पाल्सी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच होती है? रेडियल की। और रेडियल कहाँ सप्लाई करती है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को। तो क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप होगा, है ना, ये मूवमेंट चेक करते हैं एक्सटेंशन। इनस्टेबिलिटी ऑफ द डीआरयूजे,